Hello people, welcome to my YouTube channel. This is Mohit. In the series of article, हम लोगों ने बात की थी कि article definite the का use वहां करते हैं जब speaker और listener दोनों को पता हो कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है. उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं बात करना चाहूंगा यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. मैंने बताया था कि कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज एज अ कॉमन मोड में करें, यानी कि ध्यान से समझिएगा, जब प्रॉपर नाउन या किसी व्यक्ति का नाम उसका नाम ना बताकर उसका काम बताता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति का नाम हम यूज करें, इस्तेमाल करें और वो वहां पर उसका नाम ना बताकर उसकी काम या उसकी क्वालिटीज को बताता है, तो हम उस जगह पर प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन नाउन कर सकते हैं और आर्टिकल दा को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल दा हमेशा कॉमन नाउन के साथ ही आता है. जैसे यहां पर लिखा हुआ है यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द. इस डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज हम प्रॉपर नाउन के पहले कर सकते हैं. ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, पर इस कंडीशन में कर सकते हैं जब प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन नाउन हुआ हो और प्रॉपर नाउन अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए आए. जैसे कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं. पहला सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, एक सेकेंड, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर फर्स्ट नंबर में, आई लिव इन डैश इंडिया. ए इंडिया, एन इंडिया और द इंडिया. अगर मैं बात करूं तो इंडिया यहां पर क्या है? प्रॉपर नाउन है. और मैंने बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता. ओके, जस्ट अ मिनट. मैंने बताया हुआ था आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता. तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले क्या आर्टिकल लगेगा? आई लिव इन अ इंडिया, आई लिव इन एन इंडिया या आई लिव द इंडिया. सिंपली हम लोग कहते हैं आई लिव इन इंडिया. ओके, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, सिर्फ हम कहेंगे आई लिव इन इंडिया. नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द सचिन तेंदुलकर. नाउ सचिन तेंदुलकर एक व्यक्ति का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है. इसलिए इसके पहले द लगाना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये एक प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम है और किसी व्यक्ति यानी कि प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं. इसलिए हम सिंपली कहेंगे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. नेक्स्ट सेंटेंस, साहिल इज द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास. अब हम बात करते हैं यहां पर साहिल की. साहिल कोई एक लड़का है जो हमारी क्लास में पढ़ता है और हम उस साहिल को कह रहे हैं सोनू निगम. तो क्या साहिल का नाम सोनू निगम है क्या? नहीं, साहिल का नाम सोनू निगम नहीं है, पर हम साहिल को सोनू निगम से कंपेयर कर रहे हैं. हम साहिल की क्वालिटीज को सोनू निगम से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जैसा साहिल गाता है, जैसा सोनू निगम गाता है, वैसा ही साहिल गाता है. कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सोनू निगम नाम तो आया है तो ये प्रॉपर नाउन, पर यहां पर सोनू निगम अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम, अपनी क्वालिटीज के लिए जाने जा रहे हैं. और जब प्रॉपर नाउन अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम या अपने क्वालिटीज के लिए जाना जाता है, वहां पर हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं. जैसे इसमें ही देखिए, साहिल इज द सोनू निगम ऑफ आवर क्लास. तो बिल्कुल सही है, यहां पर आर्टिकल जो द का जो प्लेसमेंट है यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन के पहले हमने द का यूज किया है, लेकिन उसकी क्वालिटीज को बताने के लिए. आई होप आप समझ रहे होंगे. ये सेंटेंस आपने फ्रीक्वेंटली सुना हुआ होगा, एग्जाम में भी देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा. कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो कालिदास का नाम शेक्सपियर नहीं है, कालिदास को शेक्सपियर कहा गया है, यानी कि शेक्सपियर की क्वालिटी से नवाजा गया है, ठीक है, उनको डेजिग्नेट किया गया है. क्या? शेक्सपियर की क्वालिटीज. तो यहां पर शेक्सपियर जो है एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले हमने दा लगा दिया, क्योंकि यहां पर जो शेक्सपियर है वो अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं, ठीक है. तो इसलिए यहां पर इसके पहले हमने दा प्लेस कर दिया. नेक्स्ट सेंटेंस, इलाहाबाद इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया. अलाहाबाद इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया. अलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. आई होप आप लोग शायद गए होंगे वहां पर. अलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमने अब अलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं. ऑक्सफोर्ड तो एक ही है, ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल कभी नहीं लगता, लेकिन यहां पर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं है. अलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया गया है उसकी क्वालिटीज के बिहाफ पे. और मैंने बताया, जब कोई चीज अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए आती है, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज जायज है.
सीता इज दी लता मंगेशकर ऑफ आर सोसाइटी. लता मंगेशकर जी तो एक ही है, प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन इससे पहले मैं द यूज किया क्योंकि सीता की क्वालिटीज को लता मंगेशकर से कंपेयर किया जा रहा है, या आप कह दें लता मंगेशकर जी की क्वालिटीज को सीता के लिए कंपेयर किया जा रहा है. यहां पर लता मंगेशकर अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए जानी जा रही है. तो फ्रेंड्स याद रखिए, जब भी प्रॉपर नाउन का यूज अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए होता है तो हम यहां पर द आर्टिकल पेश करते हैं. जैसे कभी कोई बच्चा खेलने आया, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं बैट लेके आया हूं तो मैं ही फर्स्ट बैटिंग करूंगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने आप को बड़ा विराट कोहली समझता है. तो विराट कोहली समझता है मतलब उसका नाम विराट कोहली नहीं है, आप विराट कोहली की क्वालिटीज को उससे कंपेयर कर रहे हैं. जैसे एक और एग्जाम्पल बनता है, जैसे मैं कह दूं हजरतगंज जो कि अटल चौक हो चुका है, अब हजरतगंज इज द कैनॉट प्लेस ऑफ इंडिया. आप कह सकते हो कैनॉट प्लेस तो लखनऊ में, सॉरी दिल्ली में है, लेकिन हजरतगंज को हम लोग कैनॉट प्लेस से कंपेयर कर रहे हैं. तो हजरतगंज इज द कैनॉट प्लेस ऑफ इंडिया या द कैनॉट प्लेस ऑफ लखनऊ, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो जब भी प्रॉपर नाउन का यूज एज ए कॉमन नाउन हम करें, या प्रॉपर नाउन का यूज उसके नाम के लिए नहीं, उसके काम के लिए, उसकी क्वालिटीज के लिए किया जाए, तो हम लोग उस जगह पर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्लेस कर सकते हैं. ओके, यू कैन नोट डाउन इट. स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. मिसकंसेप्शन ये है कि हमें लगता है कि जहां पर भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ध्यान रखिए हमेशा जो डिग्रियां बनती हैं वो एडजेक्टिव की बनती है, ठीक है. फॉर्म्स बनती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, वो तो वर्ब की बनती है, पर जो डिग्रियां बनती हैं वो एडजेक्टिव की बनती हैं. सो स्टूडेंट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं. दिस इज द रॉन्ग मिसकंसेप्शन वी हैव, ठीक है ना, ये गलत धारणा है. क्यों? क्योंकि कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. ध्यान समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. आर्टिकल के रूल बिल्कुल सिंपल है, आर्टिकल हमेशा किसी एक कॉमन नाउन के लिए आएगा, ठीक है. आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के लिए नहीं आएगा. अभी मैंने आपको बताया क्या कि आर्टिकल प्रॉपर नाउन के लिए तब आएगा जब वो अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए जाना जाए. तो इस चीज को समझते हैं, मैंने कहा कि कभी भी आर्टिकल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं आता, बल्कि आर्टिकल जो है वो उसके बाद आने वाले नाम के लिए आता है या एक कॉमन नाउन के लिए आता है. देखते हैं, मैंने कहा कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए आर्टिकल कभी भी नहीं आता. जैसे पहला क्वेश्चन, या आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज करते हैं उसको देख लेते हैं. जैसे एक सेंटेंस लिखा है ऊपर, ऑल अ बेस्ट. आप जब कोई जाता है कहीं काम करने, आप क्या कहते हो, ऑल अ बेस्ट, ऑल अ बेस्ट, नहीं नहीं नहीं, आप कहते हो ऑल द बेस्ट. क्या कहते हो आप कहते हो ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट. क्यों? क्योंकि यहां पे ये बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. गुड, बेटर, बेस्ट, आपने तीन चीजें सुनी होंगी, तीन फॉर्म्स, गुड, बेटर, बेस्ट. तो जो बेस्ट है दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. बिकॉज ऑफ दैट इसीलिए हम इसके पहले द का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. अब आगे आपको पता है किसी का नाम ही होगा, ठीक है, तो इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने द का यूज किया. तो आप इतना तो समझ गए कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही उसके आगे आने वाले नाम के साथ करते हैं. पहला सेंटेंस देखते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, और क्लास सबसे खूबसूरत लड़की है. तो यहां पर जो मोस्ट है ये है हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. मोस्ट हमारा क्या है, मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी कि ये SDA है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. अब ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले हमें आर्टिकल था क्या, तो क्या ये आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए आया है? नहीं. ये जो आर्टिकल है ये तो भाई ये क्या हो गया, देखिए ये हमारा हो गया नाउन, ठीक, ये हमारा क्या हो गया नाउन, ये क्या हो गया नाउन को जो मॉडिफाइड करते हैं वो हो गए एडजेक्टिव, ठीक. एडजेक्टिव को जो मॉडिफाइड कर रहा है ये हमारा एडवर्ब हो गया, ऐसे समझ सकते हैं आप, या ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव ही हुआ, ठीक है, दो एडजेक्टिव लगे हैं. कभी भी एक नाउन को डिफाइन करने के लिए दो या दो से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं. जैसे मैंने कहा दिस इज अ बिग ब्लैक मार्कर, दिस इज अ बिग ब्लैक मार्कर, तो ये मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गया नाउन हो गया, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, बिग, और बिग
को मॉडिफाइड कौन कर रहा है? ब्लैक, यानी कि इस मार्कर को मॉडिफाई करने के लिए दो एडजेक्टिव लगे हैं। तो हम एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि एडजेक्टिव को कैसे यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, एक नाउन के लिए कई सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, 8-10 एडजेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है गर्ड के, गर्ड को जो मॉडिफाई कर रहा है वो ब्यूटीफुल और मोस्ट। तो ये जो आर्टिकल द है ये ना तो मोस्ट के लिए आया है ना ब्यूटीफुल के लिए आया है, क्योंकि मैंने बताया है आर्टिकल कभी भी एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आर्टिकल कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं आता, आर्टिकल हमेशा किसके लिए? एक नाउन के लिए आता है। तो आर्टिकल ये जो द है ये इस गर्ल के लिए आया है, ध्यान दीजिएगा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो जो आर्टिकल द है ये यहां पर गर्ल के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन आर टीम, वो हमारी टीम में सबसे टॉलेस्ट प्लेयर है। तो यहां पर टॉलेस्ट क्या हो गया? टॉलेस्ट, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। प्लेयर क्या हो गया? प्लेयर हमारा ना हो गया। तो इसलिए जो आर्टिकल है वो टॉलेस्ट के साथ ना होकर ये प्लेयर के साथ है। तो यहां से एक रूल बन गया कि जो आर्टिकल होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ वो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के लिए नहीं होता, वहां आने वाले आगे नाम या आप कह सकते हो आने वाले नाउन के लिए होता है। तो ये आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री के लिए ना होकर ये आने वाले नेम के लिए है, नाउन के लिए है। दिस इज द ओल्डेस्ट विलेज इन द स्टेट, ये स्टेट में क्या है? ओल्डेस्ट विलेज है। देखिए द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया, विलेज हमारा नाउन हो गया, ये आर्टिकल नाउन के लिए आया है। मैंने बताया सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपका आर्टिकल का यूज करते हैं पर वो एक नाउन के लिए यूज होता है। अगर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल यूज होता तो आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। और जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यह सबसे छोटा सेंटेंसेस इसी को देख लेते हैं। Which of these cars do you like most? इनमें से तुम्हें कौन सी कार पसंद है? तो देखिए यहाँ पर मोस्ट आया है, लेकिन मोस्ट के पहले देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, जबकि ये मोस्ट क्या है? यहाँ पर जो मोस्ट है वो तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो इससे पहले तो आर्टिकल आना चाहिए, पर यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आया। एक्चुअली यहाँ पर जो मोस्ट है ये एज ए एडवर्ब काम कर रहा है, ओके, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी सुना होगा आपने, क्या कभी आपने सुना है द मोस्ट ऑफ देम, द मोस्ट ऑफ देम हैव रीच्ड देयर, कई सारे लोग अमूमन वहां पहुंच चुके हैं। क्या आपने सुना है कभी मोस्ट के पहले द लगा के द मोस्ट ऑफ देम हैव रीच्ड देयर? नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि मोस्ट के पहले हम कभी भी द नहीं लगाते हैं, ठीक है। मोस्ट के पहले द नहीं लगाते हैं, मतलब लगाते तो है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे तो लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इस सेंटेंस में लग ही नहीं सकता। तो यहां से हमें क्या पता चला कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द हर केस में नहीं आता, तभी आएगा जब उसके बाद में क्या होगा, एक नाउन होगा, एक नेमिंग वर्ड होगा। देखिए यहाँ पर यहाँ मोस्ट तो आ गया, मोस्ट के बाद क्या कोई नाउन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भाई, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया, ये प्रोनाउन आ गया। तो यहां से क्या हुआ, यहां से ये सेंटेंस अलग हो गया, समझ रहे ना। तो यहां पर जो ये मोस्ट है वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और क्या सब्जेक्ट है? ये एज ए यहां पर प्रोनाउन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके पहले दा नहीं आ सकता। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपने ये सुना होगा, जैसे मैंने कहा कि द फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, ठीक, किरण बेदी। अब मुझे ये बताइए ये जो फर्स्ट आया है यहां पर, ठीक है, तो ये तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और ये इसके पहले आर्टिकल द आया है, तो क्या ये आर्टिकल फर्स्ट के लिए आया है? आप कहोगे नहीं सर, ये आर्टिकल फर्स्ट के लिए नहीं आया है, ये आर्टिकल किरण बेदी के लिए आया हुआ है, सॉरी ये आर्टिकल आईपीएस ऑफिसर के लिए आया है, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर जो है वो तो कॉमन नाउन हो गया हमारा, ठीक है। जैसे मैंने कहा द फर्स्ट मैन ऑन मून, मून पर पहला आदमी, ठीक, तो क्या ये आर्टिकल फर्स्ट के लिए आया है यहां पर? नहीं। आप कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री के लिए तो आर्टिकल आता ही नहीं है, आर्टिकल तो उसके बाद आने वाले नाउन के लिए आता है। तो यहां पर जो आर्टिकल है वो मैन के लिए आया है, क्योंकि मैन जो है वो एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के लिए हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के लिए ना होकर उसके बाद आने वाले नेमिंग वर्ड या नाउन के लिए होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।